बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो आप लोगों के पास एक टॉपिक है वो आप लोगों के पास कैन यू सॉल्व दिस आईक्यू टेस्ट है आप लोगों के पास। आप लोगों को पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के पास 9 इज इक्वल टू 72, 8 इज इक्वल टू 56, 7 इज इक्वल टू 42, 6 इज इक्वल टू 13, 5 इज इक्वल टू 20 एंड 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ज़रा आप सोचें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा शेयर हुआ है। इसके आपके पास तीन आंसर जस्टिफिकेशन लोग देते हैं, तीन तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका आंसर 6 है, कुछ लोग इसका आंसर 12 बताते हैं और कुछ लोग इसका आंसर 9 बताते हैं। मैं तीनों की जस्टिफिकेशन दूंगा किस बेस पे आप लोगों के पास इसका आंसर 6, 12 और 9 बताते हैं। पहला आंसर है आपके पास 6। जो आंसर 6 लोग देते हैं वो कैसे है? अब आंसर जो 6 देते हैं उसका जो रूल है वो a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1, जो a है उसमें से 1 माइनस करके आंसर हम लिख लेते हैं। जैसे 9 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 72, इसलिए आपके पास पहला आंसर 9 किसके इक्वल है? 72 के इक्वल है। फिर पिछला नंबर लिखें, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56, सेकेंड मतलब है कि 8 56 के इक्वल आ गया। थर्ड वन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 42, विच इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 42। थर्ड वन आपके पास, फोर्थ वन आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 30 एंड 5। फिर आप लोगों के पास एक नंबर हम पीछे कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। अब 5 के बाद आपके पास आपने किसका आंसर निकाला? 3। तो अब एक नंबर उससे पीछे कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। आपके पास क्या आ जाता है आंसर? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ये तो आपके पास एक डिक्रीजिंग नंबर्स का मेथड था कि आपने डिक्रीजिंग नंबर मल्टीप्लिकेशन में डिक्रीजिंग नंबर करते जा रहे थे और आपके पास जो आंसर 3 किसके इक्वल आ रहा है? 6 के इक्वल आ रहा है। कि आपके पास 3 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। अब आपके पास एक आंसर है जो आपके पास 12 है। डिक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन के तौर पर हम इसे बोल सकते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब डिक्रीजिंग सब्ट्रैक्शन में आप लोगों के पास क्या है? 9 इज इक्वल टू 72। फर्स्ट वन हमारे पास ये था, 72 में से 16 माइनस कर लें तो वो आपके पास 56 के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा? 56। 8 इज इक्वल टू 56, 8 किसके इक्वल आ गया? 56। माइनस आप 16 में से 2 माइनस कर लें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 42। 7 इज इक्वल टू 42 बन जाएगा। 14 में से 2 और माइनस करेंगे तो 12, 42 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 इज इक्वल टू आपके पास 6 इज इक्वल टू 30, 6 इज इक्वल टू 30, 30 अब 12 में से 2 और माइनस करेंगे तो 10, 30 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब 5 इज इक्वल टू 20, अब 10 में से 2 माइनस कर लें तो आपके पास वो क्या बन जाएगा? 12। अब 5 के बाद आपके पास कौन सा नंबर था? 3, तो 3 आपके पास किसके इक्वल आएगा? 12 के इक्वल आएगा। 3 किसके इक्वल आएगा? 12 के इक्वल आएगा। अब आपके पास एक और मेथड था, थर्ड वन, डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन के तौर पर हम इसे कहते हैं। डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन के तौर पर आपके पास क्या आ जाएगा? 8, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 72। एक एक नंबर, 9 में से भी एक नंबर कम कर लिया और 8 में से भी एक नंबर कर लिया तो 8 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 56। फिर एक एक नंबर हमने कम कर लिया, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 42। फिर एक एक नंबर हमने कम कर लिया, 7 में से एक नंबर कम किया 6, 6 में से एक नंबर कम किया 5, 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। फिर हमने एक नंबर कम कर लिया, 6 में से 5 एक नंबर कम कर लिया और 5 में से 4 5 में से एक नंबर कम किया 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 20। फिर हमने एक नंबर कम कर लिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9। अब इसमें से
3 इज इक्वल टू 9, ये आंसर ये जो होता है वो 9 वाले दे रहे होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास इसमें आंसर जो ठीक है वो जो सूटेबल आंसर है वो 6 वाला है, मोस्ट प्रॉपर जो आंसर आ रहा है वो 6 वाला आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास ये है 6 वाला, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 20। अब 5 में से हम एक नंबर अगर कम करते हैं तो आपके पास वो क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 12। वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 12, और 4 में से एक नंबर कम किया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। मतलब है कि इसमें से अब आपके पास जो है 5 के बाद आपके पास डायरेक्ट 3 पे हम आ गए, 5 के बाद इसमें नेक्स्ट लाइन शुड बी 4, 4 होनी चाहिए थी नेक्स्ट लाइन आपके पास, क्या होनी चाहिए थी 4, यहाँ पे हमने 4 के बाद 3 पे चले गए थे, 4 के बाद हम 3 पे नहीं जा सकते, हमने 3 के बाद हम 5 के बाद हम 3 पे चले गए थे, 5 के बाद हमें 4 पे जाना था, मतलब है कि नेक्स्ट लाइन शुड बी 4 होनी चाहिए थी, और 4 इज इक्वल टू 12, और 3 इज इक्वल टू, जब आपके पास 3 इज इक्वल टू, इसमें भी 3 किसके इक्वल बनेगा जब विच इज इक्वल टू 6, किसके इक्वल बन जाएगा 6, जब 4 12 के इक्वल है, देन हम दो नंबर कम करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपके पास 3 इज इक्वल टू 6। और मल्टीप्लिकेशन में भी आपके पास यही चीज़ रिपीट होती है, 5 के बाद डायरेक्ट हम इस पे चले गए थे 3 पे, 5 के बाद डायरेक्ट 3 पे नहीं जाना था हमने, 5 के बाद 4 वाली लाइन यूज़ ही नहीं की, नेक्स्ट लाइन शुड बी इक्वल टू 4। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास आंसर इज इक्वल टू